मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विधानसभा चुनाव में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से मतदान का संदेश देने साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली को जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चिन्हित मार्गों से होते हुए होटल अरिदम पहुंची, जहां सभी प्रतिभागियों को मतदान हेतु प्रेरित करने शपथ दिलाई गई। इस रैली में अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रतिभाग किया। कटनी में 17 नवंबर को जो मतदान होने जा रहा उसकी जागरूकता फैलाने के लिए जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास के द्वारा आज एक सुबह सुबह एक विशाल साइकिल रैली निकाली गई, जिसका जन जागरूकता के लिए कहा गया है। उसी के तारतम्य में कलेक्ट्रेट कार्यालय से स्टार्ट होकर चांडक चौसल 7 से 8 किलोमीटर का लंबा फेरा ये साइकिल रैली ले रही है, और तमाम उस रैली में जो साइकिल वाहन रैली है उसमें महिलाएं भी, स्कूल बच्चे भी है, एनजीओ और संस्थाएं भी है। अबगायदा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन अमला भी साइकिल चलाते हुए एक पूरा राउंड सर्कल ले रहा। हमारे साथ बात करने के लिए कटनी के पुलिस उप पुलिस अधीक्षक मनोज करेरिया जी साहब साथ में हैं। हम इसे चर्चा करेंगे, आज जो रैली है इसका आयोजन कहां से कहां, इसके पीछे का संदेश क्या? सर, जो आज साइकिल रैली है इसके पीछे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? 17 नवम्बर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। सभी मतदाताओं से अपील है कि वह बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान अवश्य करें, और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है निष्पक्ष निर्भीक और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए। इस रैली का जो रूट तय किया गया है, रूट कितने दूरी का है, किलोमीटर का, और कहां से कहां तक का है? ये रैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर के शहर के जो प्रमुख माधव नगर का एरिया वहाँ से होते हुए बरगवा और ये मिशन चौक, चांडक चौक, सुभाष चौक होते हुए वापस कलेक्ट्रेट परिसर तक जाएगी। लगभग 15 किलोमीटर का यह रूट है। मतदान के लिए आम जनता से अपील करना और मतदान के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि 15 किलोमीटर का एक वाहन रैली चलाई जाएगी और पूरे शहर भ्रमण करते हुए लोग जन जागरूकता फैलाई जाएगी कि मतदान अवश्य करें। अगर देखा जाए देश के अंदर हर चुनाव में इसी तरह राजनीतिक पार्टियां अपने लिए बात करती हैं, वोट दीजिए वोट दीजिए, वहीं पे जिला प्रशासन और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार चुनाव आयोग जागरूकता फैलाने के लिए अरबों रुपए खर्च करता है इस देश में कि हमें मतदान करना है। इस तरह की तमाम कयासें जो होती हैं सिर्फ मतदान के लिए कराई जाती हैं। क्या लोग कब जागेंगे, कब सचेत होंगे कि हमें मतदान करना अति आवश्यक है देश के लिए एक सक्षम सरकार की स्थापना करने के लिए? एक जागरूकता रैली उसी तारतम्य में कटनी प्रशासन ने किया है, जिसे कहा जा सकता है 17 नवंबर को हर मतदाता बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करे। इस साइकिल रैली के पीछे हमारा एक ही संदेश है, एक ही उद्देश्य है, वो है मतदाता जागरूकता। और मतदाताओं से अपील करना कि 17 नवंबर 2023 को बड़ी संख्या में वो अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल। देखिए, इस कार्यक्रम में शहर के सभी सेक्शंस के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, हमारे बीच में हाउसवाइफ्स हैं, हमारे बीच में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, सभी, जैसा कि मैंने, कई सामाजिक संगठन हैं, महिला के लिए काम करने वाले एनजीओज हैं, समाज सेवी संस्थाएँ हैं, तो सभी वर्गों के लोग जो हैं आज इस साइकिल रैली में जुड़े हैं। साइकिल रैली के साथ आज हम यही संदेश देना चाह रहे हैं, जो हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने आज ये शानदार साइकिल का रैली आयोजन किया है, तो हमारी जो संस्था है नारी शक्ति संस्था की पूरी टीम आज शामिल है जिला प्रशासन के साथ, तो हम यही संदेश देना चाह रहे हैं साइकिल वाले सब निकल जाएंगे। अब आप जहाँ वहाँ सब रह जाएंगे, आधे लोग निकल।